एक बार दो राहगीर घने जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। अरे राजेश, मेरी बात क्यों नहीं मानते तुम? मैं कह रहा हूँ, ये आधी रात को ऐसे भयानक जंगल से गुजरना खतरनाक है, हमारी जान भी जा सकती है। राजेश कहता है, अरे पिंटू भैया, तुम तो डरपोक के डरपोक ही रह गए, भला हमें यहाँ क्या खतरा, यहाँ कोई खतरनाक जानवर थोड़ी है, तुम बेकार की ही चिंता करते हो। राजेश कहता है, अरे खतरनाक जानवर नहीं, पर वो तो है। वो से क्या मतलब, कौन है, किसकी बात कर रहे हो तुम? मैं बात कर रहा हूँ आदमखोर मानव भेड़िया की। कहते हैं वो पूरे चांद की रात को इंसान से एक भयानक खूंखार भेड़िए में बदल जाता है और फिर भोले भाले राहगीरों का शिकार करता है। राजेश कहता है, अरे पिंटू भैया, ये बच्चों की कहानियों पे तुम कब से विश्वास करने लगे? ये सब बच्चों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं, तुम भी ना। पिंटू कहता है, राजेश भैया, तुम मानो ना मानो, पर हम कह रहे हैं, हमें डर तो लग रहा है। देखो भैया, बेकार की बातों में समय व्यर्थ मत करो, हमें सुबह होने से पहले शादी के समारोह में पहुंचना है, वरना सुबह का नाश्ता गया हमारे हाथ से। और जानते हो सुबह के नाश्ते में क्या क्या मिलेगा? सुनो तो, बर्फी, समोसे, आलू के पकौड़े, फिर गर्मा गर्म चाय और उसके साथ मक्खन वाले लजीज बिस्किट। मैं तो ये सब नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए फटाफट वहाँ पहुँचना होगा। अब जल्दी मेरे साथ चलो। दोनों जैसे ही चलने वाले होते हैं, ये क्या, सामने एक बड़ा भयानक भेड़िया प्रकट हो जाता है। बड़े दिनों से कोई बढ़िया शिकार नहीं मिल रहा था मुझे, इतने दिनों से मैं जंगल के जानवरों को खाकर ही काम चला रहा था, पर अब और नहीं, आज मैं इंसान को खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। अपने सामने खड़े भयानक हंसी हंसते हुए भेड़िया मानव को देखकर दोनों राहगीरों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे राजेश, मैं कह रहा था ना कि मुझ पे विश्वास करो, यहाँ एक भयानक भेड़िया है, मेरी बात मान के रात कहीं और गुजार लेते तो ये हाल ना होता, अब भुगतो। सही कह रहे हो भैया, हमारा दिमाग खराब हो गया था, हम आपकी बात ना माने, अब जब संकट आन पड़ा है तो बुद्धि काम कर रही है, अब जल्दी कोई उपाय लगाओ वरना हमारी जान नहीं बचेगी भाई। भेड़िया कहता है, चलो अब जल्दी बताओ, तुम दोनों में से पहले किसे खाऊं? पिंटू को एक उपाय सोचता है, वो कहता है, अरे भेड़िया भाई, अगर हमें खा जाओगे तो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी नहीं खा पाओगे, जो सिर्फ हम दोनों को ही बनानी आती है। भेड़िया मानव कहता है, ये क्या, तुम सच कह रहे हो, मैं कैसे विश्वास कर लूं? पिंटू कहता है, तो मत करो, बस एक बार हमें बिरयानी बनाने दो, हम शादी में जा रहे थे, बिरयानी ही बनाने जा रहे थे वहाँ, अब वहाँ तो पहुँच नहीं पाएंगे, सोचा आखिरी बार तुम्हें ही बिरयानी बनाकर खिला दें। भेड़िया मानव सोच में पड़ जाता है। तभी राजेश कहता है, अरे भेड़िया भाई, अगर बिरयानी पसंद ना आए तो वैसे ही हमें खा जाना। भेड़िया को सौदा फायदेमंद लगता है, वो कहता है, ठीक है, पर जल्दी करो। दोनों बिरयानी बनाने में जुट जाते हैं। पिंटू जो कि दवाई का डॉक्टर था, उसके पास नीम की गोलियां थी जो वो बिरयानी में मिला देता है। भेड़िया मानव जैसे ही बिरयानी को खाता है, वो गहरी नींद में सो जाता है। अरे वाह पिंटू भैया, आपने तो हमारी जान बचा ली। पिंटू कहता है, अब ज़्यादा देर ना करो, जल्दी से इसके होश में आने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं और फिर कभी लौट के मत आना। पर पिंटू भैया, ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसे कब बिरयानी खाने को मिलेगी? इन्हें तो तभी स्वादिष्ट बिरयानी खाने को मिलेगी जब ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में यस टाइप करेंगे।